महाराष्ट्र में सितंबर में हुए लगातार भारी बारिश के कारण कपास उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कपास के रकबे में इस साल 4 लाख हेक्टेयर की कमी भी आई है, जिससे उत्पादन घटने से इस साल कपास की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। फिलहाल कपास की कीमत 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक इस साल कपास की वैश्विक मांग बनी रहेगी। इस साल इसलिए सोयाबीन में भले ही किसानों को नुकसान हुआ हो, लेकिन कपास उत्पादन से हुए नुकसान की भरपाई संभव हो पाएगी। इसलिए कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को सलाह दी है कि वे बाजार का अध्ययन कर ही कपास बेचें। राज्य में बल्कि देश में भी कपास की खेती के रकबे में 7 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई है। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण कपास की फसलों पर गुलाबी सुंडी रोगों का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, जिस कारण उत्पादन में गिरावट देखी गई है। यही वजह है कि कपास के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार ने लंबे सूत कपास के लिए 6025 रुपये की दर तय की हुई है। कृषि विश्वविद्यालय के मुताबिक वैश्विक बाजार में कपास की मांग बढ़ी है। इसके अलावा देश में कपास उत्पादन में तेजी से गिरावट भी आई है, इसलिए रेट बाजार में गारंटी कीमत से ज़्यादा होगा। इससे कपास के निर्यात के अवसर भी बढ़े हैं और कपास का वैश्विक उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल खरीफ कपास के अच्छे दिन आएंगे। कृषि विश्वविद्यालय की माने तो कपास की कीमतें देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं। जिस समय कपास के भाव गिरते हैं उसे उस समय ना बेचें, स्टोर करके रखें। अभी यह रेट 7 से 8 हज़ार क्विंटल है। यदि कपास के निर्यात का अवसर बढ़ता है और वैश्विक कपास की खपत समान रहती है तो कपास को अधिक कीमत मिलेगी। इसलिए किसान बिना किसी परेशानी के सुरक्षित स्थान पर स्टोर करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बेहतर दाम ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।